हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू फार्मेसी इम्पैक्ट। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कुछ और फार्म रिगार्डिंग वैकेंसीज के बारे में। वैकेंसी निकली हुई है कर्नाटका एंटीबायोटिक एंड फार्मास्यूटिकल लिमिटेड में, गवर्नमेंट कंपनी है फार्मास्यूटिकल, बी फार्म एम फार्म वालों के लिए वैकेंसी निकली हुई है। इसके अलावा जो इंजीनियरिंग कैंडिडेट है उनके लिए भी वैकेंसी निकली हुई है और बीएससी कैंडिडेट्स वालों के लिए भी वैकेंसी निकली हुई है। तो कंप्लीट डिटेल बताने वाला हूँ कौन कौन सी यहाँ पर वैकेंसी निकली हुई है, सैलरी क्या है और लास्ट डेट क्या है। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखेगा और जो बच्चे चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि ऐसी वीडियो में हमेशा लेके आते रहते फार्म एंड फार्मा वैकेंसी रिलेटेड। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो ये ऑफिशियल वेबसाइट मैंने ऑलरेडी ओपन कर रखी है। इस ऑफिशियल वेबसाइट का लिंक जो है वो मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहां से जाकर आप इस पेज पर डायरेक्ट आ सकते हैं। जब आप इसे ओपन करेंगे तो यहां पे देखिए इंडस्ट्री का पूरा कंप्लीट एड्रेस लिखा हुआ है, मोबाइल नंबर है और ईमेल आईडी भी यहां पे लिखी हुई है। तो बेंगलुरु की ये कंपनी है, गवर्नमेंट कंपनीज है, कर्नाटक एंटीबायोटिक एंड फार्मास्यूटिकल लिमिटेड। तो यहां पे मैं आपको दिखा देता हूं जो एक वैकेंसी निकली हुई कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर यहां पे वैकेंसी निकली हुई है। जो स्टार्टिंग का कॉन्ट्रैक्ट पीरियड है वो आपका 5 साल का रहेगा, यहाँ पे लिखा हुआ भी है। यहाँ पे देखिए कॉन्ट्रैक्ट बेसिस फॉर ए पीरियड ऑफ 5 ईयर एंड कॉन्ट्रैक्ट पीरियड में भी एक्सटेंडेड बेस्ड ऑन कैंडिडेट परफॉर्मेंस। 5 साल के बाद आपका जो है वो जो कॉन्ट्रैक्ट पीरियड है वो आपका इंक्रीज हो जाएगा आपकी परफॉर्मेंस के बेस पर। तो यहाँ पे देखिए पहली वैकेंसी नेम ऑफ द पोस्ट यहाँ पे लिखा हुआ है एग्जीक्यूटिव की, यहाँ पे वैकेंसी है प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में। 3 यहाँ पे वैकेंसी है, एज इन्होंने 30 ईयर तक यहाँ पे एज होनी चाहिए और क्वालिफिकेशन इन्होंने बी फार्म एम फार्म मांगी गई है। इसके अलावा 2 से 3 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए, लोकेशन वही है बेंगलुरु पीनिया, ठीक है। सैलरी की बात करें तो देखिए सैलरी काफ़ी अच्छी है, 47,000 यहाँ पे सैलरी रहने वाली है। एक्सपीरियंस की जो बात करें 2 से 3 साल का जो एक्सपीरियंस मांगा किस फील्ड में होना चाहिए तो पूरा इन्होंने लिख रखा था कि सुपरविजन ऑफ मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटीज़ इन वेरियस प्रोडक्शन सिलेक्शन लाइक ड्राई पाउडर इंजेक्शन, लिक्विड इंजेक्शन एंड नॉन पेरेंटल, शुड वर्क इन शिफ्ट प्लानिंग एंड कोऑर्डिनेटिंग डेली शॉप फ्लोर एक्टिविटीज़ एंड मैनेजिंग द स्टाफ टू इंश्योर द प्रोडक्ट एंड मैनुफैक्चरिंग एज पर GMP गुड डॉक्यूमेंटेशन कंट्रोल। तो ये सारे डिपार्टमेंट में आपको जो है नॉलेज होनी चाहिए, ठीक है, 2 से 3 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। इसके अलावा देखिए इंजीनियरिंग कैंडिडेट्स के लिए जूनियर एग्जीक्यूटिव की यहाँ पे वैकेंसी निकली हुई है, 24 से 30 साल एज होनी चाहिए, बीई मैकेनिकल से आपकी जो है क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, 2 साल का एक्सपीरियंस है और जॉब लोकेशन है पीनिया बेंगलुरु। सैलरी 43,000 अप्रोक्स यहाँ पर सैलरी रहने वाली है। एक्सपीरियंस जो है देखिए फार्मास्यूटिकल मशीनरी मेंटेनेंस मैनेजमेंट की आपको नॉलेज होनी चाहिए, ठीक है, हैंडलिंग ऑफ एयर कंडीशनिंग एंड वेंटिलेशन सिस्टम मेंटेनेंस आपको पता होना चाहिए, मैनेजमेंट एक्टिविटीज़ ऑफ वाटर सिस्टम, ठीक है, और मेंटेनेंस एक्टिविटीज़ ऑफ पंप एंड एयर कंप्रेसर, इन सब की आपको नॉलेज होनी चाहिए, ठीक है। इसके अलावा असिस्टेंट मैनेजर की यहाँ पे वैकेंसी है, 35 ईयर यहाँ पे एज मांगी गई है और क्वालिफिकेशन बीई मैकेनिकल आपकी होनी चाहिए, इंजीनियरिंग यानी कि बीटेक बीई मैकेनिकल, 5 साल का एक्सपीरियंस चाहिए मैनेजर की पोस्ट के लिए और सैलरी है 63,000 अप्रोक्सीमेटली सैलरी आपकी रहने वाली है। एक्सपीरियंस दे रखा है इसे आप देख लीजिएगा, ठीक है जी। जो भी बच्चे जिस पोस्ट के लिए एलिजिबल हैं अप्लाई ज़रूर करें, क्योंकि गवर्नमेंट कंपनी है और स्टार्टिंग जो है कॉन्ट्रैक्ट पीरियड 5 साल का है। अगर आप ज्वाइन हो जाते हो तो समझे आपकी जॉब लग गई, फिर जो है जो एक्सटेंडेड जो आपका कॉन्ट्रैक्ट पीरियड है वो इंक्रीज़ होता ही रहता है। इसके अलावा 5th जो वैकेंसी है जूनियर एग्जीक्यूटिव की है, 25 से 30 साल की यहाँ पे एक्सपीरियंस मांगा है, ग्रेजुएशन इन साइंस या कॉमर्स यानी कि बीकॉम या बीएससी वाले भी अप्लाई कर सकते हैं, जैसे मैं बता रहा था आपको बीएससी वाले भी अप्लाई कर सकते हैं, यहाँ पे बीकॉम वाले भी अप्लाई कर सकते हैं। 2 साल का एक्सपीरियंस मांगा गया, एक्सपीरियंस उन्होंने दे रखा है किस किस डिपार्टमेंट में यहाँ पर आपको एक्सपीरियंस होना चाहिए। तो यहाँ पर लिखा हुआ है मिनिमम 2 ईयर इन स्टोर डिपार्टमेंट ऑफ फार्मास्यूटिकल कंपनी, नॉलेज ऑफ डॉक्यूमेंटेशन, ठीक है, और एमएस वर्ड की आपको नॉलेज होनी चाहिए, एक्सेल की नॉलेज होनी चाहिए, ये सब आपको नॉलेज होनी चाहिए। इसके अलावा 6th पोजीशन है नेम ऑफ द पोस्ट असिस्टेंट परचेज की यहाँ पे वैकेंसी है, 24 से 30 साल की एज होनी चाहिए, परचेज डिपार्टमेंट में आपको रखा जाएगा, क्वालिफिकेशन बीकॉम एमकॉम एमबीए एंड डिप्लोमा इन मटेरियल मैनेजमेंट। तो काफ़ी सारे इन्होंने क्वालिफिकेशन दे रखे, जो भी बच्चे कैंडिडेट एलिजिबल हैं अप्लाई ज़रूर करिएगा, ठीक है। 2 साल का एक्सपीरियंस मांगा गया, सैलरी 28,000 सैलरी यहाँ पर रहने वाली है, ठीक है। लास्ट डेट जो है वो मैं आपको बता देता हूँ, देखिए ये है 16/1/2023 की लास्ट डेट है। तो अप्रोक्सीमेटली आज के डेट है, आज है 29 नवंबर 2022 और इसका देखा जाए तो आपके पास 18 दिन का टाइम है। तो एक बार इसे देख लीजिएगा, स्टडी करके थोड़ा सा
अगर जो भी बच्चे इंटरेस्टेड अप्लाई जरूर करें। तो लिखा हुआ है इंटरेस्टेड कैंडिडेट हु फुलफिल द रिक्वायरमेंट मे सेंड देयर ड्यूली फिल्ड इन एप्लीकेशन एज पर फॉर्मेट अवेलेबल इन अवर कंपनी वेबसाइट। तो इस ऑफिशियल वेबसाइट इन्होंने दे रखी है, वहाँ पर आपको फॉर्मेट मिल जाएगा कैसे आपको अप्लाई करना है। तो 16/1/2023 से पहले अप्लाई कर दीजिएगा। तो यही था इस वीडियो में जो मेरे को आपको बताना था। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक जरूर करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और इस वीडियो में नहीं, नेक्स्ट वीडियो में जल्दी मिलता हूँ ऐसे ही नई वैकेंसी के साथ। तब तक के लिए थैंक यू।